वेलकम टू अल्फा वायल एंड गैस यूट्यूब चैनल नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सी बी टी आराम को इंटरव्यू प्रिपरेशन क्वेश्चन फॉर क्यूक यू सी पाइपिंग इंस्पेक्टर नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर वन वॉट इज द मीनिंग ऑफ पी एन आई डी द आंसर इज पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंट डाइग्राम क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है परसेंटेज एक्यूरेसी ऑफ प्रेशर गेज तो फर्स्ट वी विल डिफाइन द प्रेशर गेज एक्यूरेसी। द आंसर इज प्रेशर गेज एक्यूरेसी इज द डिफरेंस और ईर बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड द इंडिकेटेड रीडिंग एक्सप्रेस ऑन द प्रेशर गेज द तो सेकेंड का क्या आंसर द आंसर is 5%. the percentage accuracy of pressure gauge is 5%. the question number 3rd, extent of radiography for category d fluids. Answer, first we will refer the asme b31.3. the answer is rt is not required for category d fluid as per asme b31.3. थ्री क्वेश्चन नंबर फोर मीनिंग ऑफ कैटेगरी डी फ्लूड्स द आंसर इज कैटेगरी डी फ्लूड के लिए क्या है आंसर इसमें क्या है प्रेशर जो होता है लेस देन टेन बार होता है और इसका टेम्परेचर क्या है माइनस ट्वेंटी नाइन डिग्री सेंटीग्रेड टू वन एट्टी सिक्स डिग्री सेंटीग्रेड और इसका नेक्स्ट क्या है कैटेगरी डी फ्लूड जो होता है नॉट हार्मफुल होता है एंड इसका नेक्स्ट पॉइंट नॉन टॉक्सिक फ्लूड होता है और नॉन फ्लेमेबल फ्लूड होता है तो मीनिंग ऑफ कैटेगरी ड्यू फ्लूड्स को इस तरह से हम लोग एक्सप्लेन करके इंटरव्यूअर को रिप्लाई देने का है द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है ए पी आई स्टैंडर्ड फॉर स्टील गेट वाल सो वी विल रेफर द ए पी आई सिक्स हंड्रेड द आंसर इज ए पी आई सिक्स हंड्रेड द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है फार्मूला ऑफ ब्लाइंड फ्लेंजेस सो वी विल रेफर ए एस एम ई बी थर्टी वन पॉइंट थ्री पारा थ्री जीरो फोर पॉइंट फाइव थ्री तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का यही रिप्लाई देने का है कि प्लीज सीधा ए एस एम ई बी थर्टी वन पॉइंट थ्री पारा थ्री जीरो फोर पॉइंट फाइव पॉइंट थ्री क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है एज पर

द आंसर इज शेड्यूल फोर्टी द क्वेश्चन नंबर नाइन वाट इज द साइज ऑफ फीलेट वेल्ड विथ थ्रोट थिकनेस ऑफ सेवन एम एम द आंसर इज सेवन एम एम क्वेश्चन नंबर टेन क्या है वाट इज द साइज ऑफ थ्रोट थिकनेस ऑफ फिलेट वेल्ड विथ फोर्टीन एम एम लेग लेंथ द आंसर इज नाइन पॉइंट एट नाइन एम एम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन क्या है प्री हीट टेम्परेचर फॉर ए थ्री थ्री फाइव सिक्स इंच डाया पाइप फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ए थ्री थ्री फाइव कहने का सेंस कहने का मतलब एलोआई मटेरियल है एलोआई मटेरियल है ये पाइप जो है का है एलोआई मटेरियल है देखिए यहाँ पर आपको प्री हीट का जो है टेम्परेचर द आंसर क्या है प्री हीट टेम्परेचर डिपेंड्स करता है पाइप के ग्रेड पर फॉर एग्जाम्पल जैसे ए थ्री थ्री फाइव पी एलेवन पी एलेवन के लिए क्या है प्री हीट टेम्परेचर वन फोर्टी नाइन डिग्री सेंटीग्रेड होता है ए ए थ्री थ्री फाइव पी ट्वेंटी टू का भी क्या होता है डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो यहाँ डिपेंड्स करता है प्री हीट एस पर पाइप के ग्रेड का जैसे टेन डिग्री है नाइन्टी फाइव है वन फिफ्टी है टू हंड्रेड है

नॉर्मलाइजिंग क्या है क्या है व्हाट इज नॉर्मलाइजिंग कूलिंग आफ्टर रीच द अपर क्रिटिकल टेम्परेचर इन द एयर नेक्स्ट क्या है व्हाट इज ट्विंचिंग कूलिंग आफ्टर रीच द अपर क्रिटिकल टेम्परेचर इन द ऑयल और वाटर द नेक्स्ट क्या है टेम्परिंग स्लो कूलिंग आफ्टर रीच द बिलो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर at the rate of 550 of hardened material the next question number 13 size of fillet weld for slip on flange if the thickness is 7 mm the answer is how much 6 mm the answer is 6 mm the question number 14 define mss dash sp standard for एस एस कहने का सेंस मैन्यक्चर स्टैंडर्डाइजेशन सोसाइटी वाल्व एंड फिटिंग्स के लिए आता है ये, ठीक है तो हमें सबसे पहले एम एस एस पी का फिटिंग्स के लिए क्या स्टैंडर्ड है द आंसर इज एम एस एस डैश एस पी डैश सेवेंटी फाइव कहने का सेंस क्या है इसका एमएसएस एस पी सेवेंटी फाइव कहने का रूट फिटिंग्स और बट वेल्डिंग फिटिंग्स के लिए आता है ये बेसिकली यूज़ फॉर हाई प्रेशर वायल एंड गैस ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स के लिए ये जो हमारा स्टैंडर्ड है एम एस 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 पी डैश सेवेंटी फाइव जो इसका आंसर है ये जो है हाई प्रेशर वायल एंड गैस ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और रूट फिटिंग्स और बट फिटिंग्स के लिए आप यूज़ करते हैं तो इस तरह से इसको एक्सप्लेन करना है के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन क्या है ए एस एम ई स्टैंडर्ड फॉर जनरल ऑफ पाइप देन द आंसर फर्स्ट वी विल रेफर आंसर क्या है इसका ए एस एम ई बी डैश नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन मैक्सिमम डेप्थ ऑफ लैक ऑफ फ्यूजन एंड लैक ऑफ पेनिट्रेशन फॉर वेल्ड्स तो इसका आंसर क्या है वी विल रेफर मतलब वी विल सी वी कैन सी टेबल थ्री फोर वन पॉइंट थ्री पॉइंट टू वी कैन सी फ्रॉम एयर इन दिस टेबल क्वेश्चन नंबर सेवनटीन क्या है हु इज द सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर द मटेरियल ऑफ प्रोसेस इंडस्ट्रीज कौन कौन है ऑनर है इसका क्लाइंट है मैन्युफैक्चरर है और फैब्रिकेटर है तो इसका इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मटेरियल ऑफ प्रोसेस पाइपिंग इन दस्टी का द आंसर इज ऑनर ठीक है तो इस तरह से रिप्लाई देने का है द नेक्स्ट क्वेश्चन यूज ऑफ प्री हीट एज पर एस एम ई बी थर्टी वन पॉइंट थ्री द आंसर इज फॉर स्लो डाउन द कूलिंग रेट द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइनटीन एज पर बी थर्टी वन पॉइंट थ्री इफ स्लिप ऑन फ्लैंज विल बी यूज एज लैप फ्लैज वट इज द रिक्वायर्ड साइज ऑफ पाइप फॉर क्लास थ्री हंड्रेड रेटिंग आंसर इज एट इंच नोट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जनरली जो अभी पूछ रहा है, है पाइपिंग से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आस्किंग वेयर रेफरिंग द ए एस एम ई बी थर्टी वन पॉइंट थ्री इसको आप जो भी पाइपिंग की उसी है ए एस एम ई बी थर्टी वन पॉइंट थ्री को रेफर करके इसका रिप्लाई देने का है और उसको थोड़ा डीपली इसको आप स्टडी करने का है इससे ही ज़्यादा क्वेश्चन टच हो रहा है पाइपिंग की उसी के लिए सी बी टी में और जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इससे मोस्टली तो इस तरह से हम लोगों को रिप्लाई देना है और जो भी स्टैंडर्ड्स बोल रहे हैं उसको रेफ़र करने का है इंटरव्यूअर के सामने ये इंटरवल इस तरह से रेफर करके उसको आंसर देने का ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो नेक्स्ट वीडियो आई विल कम विथ न्यू अपडेट्स